बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंत्री शिव डहरिया ने आरंग क्षेत्र वासियों से की अपील, कहा कोरोना से बचकर रहें। बस्तर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक का कर्फ्यू लगाया है। धारा 144 भी लागू है, उसके बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं। राजधानी रायपुर में जारी लॉकडाउन के तीसरे दिन एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 100 साल बताई जा रही है, उनके मृत शव पुलिस ने बरामद किया है। ये महिला सड़कों में ही अपना जीवन यापन किया करती थी और रात होते ही एक मेडिकल के पास अपना बिस्तर लगाकर सो जाती थी। नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री तथा सरगुजा जिला के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया की पहल से सरगुजा जिले के निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से कोरोना के मरीजों का उपचार संभव हो सका है। जिले के कलेक्टर संजीव कुमार झा द्वारा बताया गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में और प्रभारी मंत्री डॉक्टर डहरिया के निर्देशानुसार सरगुजा जिला प्रशासन द्वारा निजी अस्पतालों में कोरोना के उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्रारंभ की गई है। राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन पुनः बढ़ाए जाने की खबरें भी आ रही है। अब तक प्रदेश के 20 जिलों में लॉकडाउन लागू किया जा चुका है। अधिकतर जिलों में 13 से 23 अप्रैल तक का लॉकडाउन लगाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में 25 अप्रैल तक लॉकडाउन को पुनः बढ़ाया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के कारण हो रही अधिक मौतों और मुक्तिन धाम में शव जलाने में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों से निपटने के लिए विद्युत शव दाह गृह स्थापित करने की कवायद में है। नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 9 के जोन कमिश्नर संतोष पांडे ने जोन 9 के अंतर्गत आने वाले लाभांडी क्षेत्र में टोटल लॉकडाउन की अवधि के दौरान वहां की जयश्री पोल्ट्री फार्म में संचालक को व्यवसायिक लाभ अर्जन के उद्देश्य से खुलेआम मुर्गा बेचते हुए देखा तो जोन कमिश्नर ने टोटल लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए, जिसके बाद लोगों ने जोन कमिश्नर को ही पीट डाला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दूसरे राज्यों से सड़क, ट्रेन व हवाई मार्ग से आने वाले प्रत्येक यात्री की कड़ाई से कोरोना जांच करें। जिला प्रशासन निजी संस्थानों का साथ लेकर छोटे बड़े प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्री की कोविड टेस्टिंग सुनिश्चित हो। देश में एक बार फिर कोरोना तांडव मचाना शुरू कर दिया है। एक साल से ज्यादा हो गया है, फिर भी ये महामारी काबू में होने का नाम नहीं ले रही है। इस खतरे से लोग सावधान भी हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी इसे मजाक समझकर लापरवाही कर रहे हैं।